हेलो क्लास सिक्स्थ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम अपन फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते जा रहे हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में। एक तो है यहाँ पे देखो क्या, हिंदू अरबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स। एक तो है अपना इंडियन नंबर सिस्टम बोल सकते हैं इसको। एक तो है अपना इंडियन नंबर सिस्टम, जिसमें अपन क्या 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 बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लैख, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम है, जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड को वंस पीरियड में, ये पीरियड है वंस पीरियड में रखा जाता है तीनों नंबर को, फिर कोमा लगता है, फिर थाउजेंड में दो आते हैं, 1,000 और 10,000 प्लेस आते हैं, लैक्स पीरियड में दो प्लेस आते हैं, लैक्स एंड 10 लैक्स, और करोड़ पीरियड में भी टू प्लेसेज आते हैं, एक तो करोड़ और एक 10 करोड़। ठीक है, अब इतना तो तुमको पता ही होगा, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर लिखते हैं तो कोमा अगर अपन लगाते हैं तो पहले पीछे से 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगता है, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट, ऐसे कोमा लगते जाते हैं। तो ये कोमा किसके हिसाब से लगते हैं, इन पीरियड के हिसाब से लगते हैं, क्योंकि जो वंस पीरियड है उसमें तीन वंस, टेंस और हंड्रेड तीनों आ जाते हैं, तो फिर कोमा लगता है, फिर थाउजेंड पीरियड आता है जिसमें दो आते हैं, फिर कोमा लगता है, फिर लैख पीरियड आता है, दो डिजिट आते हैं, फिर कोमा लगता है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन नंबर सिस्टम में अगर कोमा का यूज करते हैं अपन, तो आफ्टर 3 डिजिट, देन आफ्टर 2, देन 2, एंड देन 2। ठीक है, ऐसे ही चलता जाता है, और ये प्लेस तुमको लर्न होनी चाहिए कि वंस, वंस के बाद टेंस, हंड्रेड, 10,000, 10,000, देन लैक्स, देन 10 लैक, देन करोड़, एंड देन 10 करोड़। ठीक है, तो बस इतना पता होना चाहिए। फिर चलो आगे देखते हैं, एक है अपना इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो उसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बस थोड़ा सा आगे दे रखा है, करोड़ और 10 करोड़ तक और लिख लिया इसने। ठीक है, अच्छा फिर अपन बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ये रहा, तो इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, इसमें जो नंबर, जो प्लेस के नेम है वो अलग है, क्या है, वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, यहाँ तक तो सेम है, थाउजेंड, 10,000 तक भी सेम है, फिर यहाँ पे देखो 100,000 और आता है, फिर मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन आता है, फिर बिलियन में बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, फिर ऐसे ही ट्रिलियन में ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे चलता जाता है ये। ठीक है, तो इसमें अगर अपन कोमा का यूज करते हैं तो 3 डिजिट के बाद लगता है पहला कोमा, दूसरा कोमा भी 3 डिजिट के बाद, फिर भी 3 डिजिट के बाद, ऐसे कोमा लगते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो भी पीरियड है सभी में थ्री थ्री प्लेसेज हैं। जैसे वंस पीरियड की मैं बात करूं तो इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड थ्री प्लेसेज आते हैं, थाउजेंड पीरियड की बात करूं तो थाउजेंड, 10,000 और 100,000, ये तीनों प्लेस आते हैं इसमें, मिलियन की बात करूं तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये तीनों प्लेस आते हैं, बिलियन की बात करूं तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये तीनों प्लेस इसमें आते हैं। ठीक है, तो चलो फिर आगे चलते हैं, बस तुमको ये लर्न होना चाहिए, फिर आप इजीली समझ सकते हो कि कैसे करना है अपने को। ठीक है, आप सुनो ध्यान से, क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, अब एक्सरसाइज करते हैं अपन 1A, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, न्यूमरल लिखने हैं आपको, नंबर लिखने हैं, तो 9,018 क्या लिखना है, 9,018, तो देखो वंस पे अपना आ गया 8, टेंस पे अपना आ गया 1। ठीक है, ये देखो वंस, टेंस, फिर हंड्रेड पे कुछ भी नहीं है क्योंकि हंड्रेड का इसमें कहीं बोला भी नहीं है, हंड्रेड पे कुछ भी नहीं है, फिर थाउजेंड, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 9,018, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये नाइन है वो थाउजेंड पे ही प्लेस पे आना चाहिए, अगर तुमने ऐसे लिख दिया जीरो नहीं लगाया तो ये देखो कि आराम से क्या बनेगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तो 918 बन जाएगा, तो इसलिए ऐसी गलती मत करना, जिस प्लेस के बारे में इसमें गिवन नहीं है उसकी जगह अपने को जीरो जरूर लगाना है, जैसे यहाँ हंड्रेड के बारे में कुछ नहीं था तो ये हंड्रेड की जगह अपना ये जीरो आएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 54,073, तो 73 तो टेंस और वंस पे आ गए, हंड्रेड का नहीं है, ठीक है, और फिर थाउजेंड में किसका है, 54,000, तो ये अब कोई दिक्कत नहीं है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, पहले वंस वाला पीरियड, फिर थाउजेंड वाला पीरियड, और थाउजेंड के बाद लैक वाला पीरियड होता है, तो अब ये लैक वाला पीरियड पे आ गए। ठीक है, तो 3 लैक, 2,000, 506, तो ये 506 तो पता है आपको,
वंस टेंस हंड्रेड पे आ गया, फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड के होने चाहिए, तो थाउजेंड में है ओनली अपना टू, तो इसको लिखेंगे जीरो टू। टू डिजिट होते हैं थाउजेंड के पीरियड में, तो इसको जीरो टू लिखेंगे, टू जीरो नहीं लिखेंगे, टू जीरो लिखेंगे ट्वेंटी बन जाएगा, ठीक है। और ये थ्री लैख, तो अब आप इसको आराम से रीड भी कर सक करके देख सकते हो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, तो ये बन गया थ्री लैख टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, ट्वेंटी लैख टेन थाउजेंड एट, तो ट्वेंटी लैख ये लैख का हो गया, फिर अपना ये आता है थाउजेंड का, लैख का पीरियड ये थाउजेंड का आता है, तो ट्वेंटी लैख टेन थाउजेंड, तो ये थाउजेंड का पीरियड, और फिर अपना आता है वंस का पीरियड, जिसमें क्या आते हैं हंड्रेड, हंड्रेड तो है ही नहीं इसमें, दे ही नहीं रखा, सीधा एट दे रखा है, तो ये जीरो जीरो एट ऐसे लिखेंगे इसको, तो ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख, तो ये ट्वेंटी लैख टेन थाउजेंड एट हो गया, ठीक है। तो अपने को ध्यान से इन भी नंबर ने ये नंबर्स लिखने पड़ेंगे, ये है सिक्स करोड़, तो ये सिक्स करोड़ लिख दिया, फिर करोड़ के बाद सिक्स लैख आना चाहिए, तो फाइव लैख ही है, लेकिन अपने को पता है लैख में दो होते हैं लैख और टेन लैख, तो ऐसे जीरो फाइव लिखेंगे। फिफ्टी सेवन, तो यहाँ पे देखो ये करोड़ का हो गया, ये लैख का, लैख और यहाँ फिर होता है थाउजेंड का, उसकी जगह जीरो, और ये कितना है फिफ्टी सेवन, तो हंड्रेड का भी नहीं है, तो ये ऐसे लिखा जाए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़, तो ये सिक्स करोड़ फाइव लैख और फिफ्टी सेवन हो गया ये, ठीक है। तो अपने को ये पता होना चाहिए जीरो कहाँ कहाँ लगाना है, ठीक है। जैसे टू करोड़, तो ये करोड़ का हो गया, इधर लैख का आना चाहिए, लैख दे रखा है इसमें, अच्छा टू है, टू करोड़ हाँ, टू लैख, तो टू लैख तो ऐसे लिखेंगे जीरो टू करके, ठीक है। और फिर टू थाउजेंड, टू थाउजेंड भी ऐसे लिखेंगे जीरो टू करके, और फिर टू हंड्रेड टू, ये टू हंड्रेड टू, फिर एक बार देख लो, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करो, तो सही है टू करोड़, ये टू लैख टू थाउजेंड टू हंड्रेड टू अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ये सारे कर लेना। राइट, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखने हैं, किसके अकॉर्डिंग लिखने हैं, ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से देखो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो सिक्सटी थ्री थाउजेंड फाइव, ये क्या हो जाएगा सेवन लैख सेवन थाउजेंड सेवेंटी फाइव, थर्टी फोर लैख ट्वेंटी थाउजेंड नाइनटी, तो ऐसे इनको कर लेना आराम से, ठीक है। थ्री करोड़ फाइव लैख नाइन थाउजेंड ट्वेल्व, ठीक है। तो बस तुम ये ध्यान रखना, ये वंस, ये थाउजेंड लैख करोड़, तो यहाँ थ्री करोड़ फाइव लैख नाइन थाउजेंड ट्वेल्व, ठीक है। तो ये सारे नंबर नेम आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। राइट, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ये तो आपको अच्छे से आती है, आई होप सो। तो कैसे करेंगे, ये वन फाइव सेवन सिक्स एट है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो क्या करेंगे, वन लिखेंगे और वन के बाद कितने डिजिट हैं, वन टू थ्री फोर, तो फोर जीरो लगा देंगे, प्लस फाइव लिखेंगे, फाइव के आगे थ्री जीरो, प्लस सेवन लिखेंगे डबल जीरो, प्लस सिक्स लिखेंगे वन जीरो, प्लस एट लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन नंबर थ्री को आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर में आपको इसका उल्टा करना है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म के नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे, तो मल्टीप्लाई वन वाला नंबर लिख दो पहले, फोर है, मल्टीप्लाई टेन वाला लिखो फिर एट है, फिर मल्टीप्लाई हंड्रेड वाला लिखो फाइव है, फिर मल्टीप्लाई थाउजेंड वाला लिखो टू, फिर टेन थाउजेंड वाला सिक्स, तो ये हो गया सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी फोर, ठीक है। सब में तुमको ऐसे ही लिखना है, और कई कई हमें क्या बीच में जीरो गायब है, जैसे मैं आपको फोर वाला बताता हूँ, तो देखो देखो अकेला वन वाला सेवन है, डबल जीरो वाला वन जीरो वाला है ही नहीं इसमें, है ना, टेन का कहाँ है, नहीं है ना, तो उसकी जगह जीरो लिखना लिखा जाएगा, फिर डबल जीरो वाला फाइव है, फिर ट्रिपल जीरो वाला सिक्स है, तो फिर फोर जीरो वाला है क्या, वन टू थ्री फोर, फोर जीरो वाला है ही नहीं तो उसकी जगह जीरो, फाइव जीरो वाला वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जीरो वाला फोर है, और ये इसमें कितने जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स जीरो वाला थ्री है, तो ऐसे लिखेंगे, जो प्लेस गायब हैं उनकी जगह अपन जीरो लिखेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जैसे इसमें मल्टीप्लाई टेन वाला नहीं था तो यहाँ अपन ने जीरो लगाया, और वन टू थ्री फोर, फोर जीरो वाला इसमें नहीं था, वहाँ अपन ने जीरो लगा दी, ठीक है। तो इसको ऐसे करें, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द टू नाइन्स इन, ये नंबर गिवन है अपने को, इसमें दो नाइन है, तो नाइन की प्लेस वैल्यू अपने को निकालनी है और उनका डिफरेंस भी करना है, क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है
दो नाइन की प्लेस वैल्यू में। तो पहला वाला नाइन है ये रहा, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, नाइन के बाद दो डिजिट है तो 900। और दूसरा वाला नाइन ये रहा, तो इसके आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 60 लगेंगे इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 0 और 9। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों को माइनस कर लेना, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0। अब यहाँ देखो अपने को कैरी लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ 10 आएगा और यहाँ 9 9 9 बचेगा, या 10 में से 9 गया तो 1, और ये तुम्हारा 9, ये भी तुम्हारा 9, ये भी तुम्हारा 9, और यहाँ बचेगा 8, तो बस ये माइनस कर देना तुम फिर। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। अच्छा थोड़ा सा अलग है, तो क्या अलग है इसमें थोड़ा सा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। देखो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है, पहले वो लिख लेते हैं, 7 के बाद कितने जीरो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 60 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 60 लग गए। ये तो है 7 की प्लेस वैल्यू, क्या है ये, प्लेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू तो वही होती है, 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी, बस इसको तुम इसको माइनस कर देना। यहाँ से तुम क्या लोगे कैरी, यहाँ 7 से कैरी लोगे, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 6, यहाँ 9 9 9 9 9 और यहाँ 10, तो 10 में से जब 7 जाएगा 3, फिर बचेगा 9, इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9 और इसका भी 9 और इसका 6। ठीक है, तो ऐसे माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं, ये पूछा है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। 6 डिजिट के कितने नंबर हैं टोटल, तो वो कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको 6th 7th क्वेश्चन का। तो देखो 6 डिजिट के टोटल नंबर अपने को निकालने हैं कितने हैं, ओनली 6 डिजिट के, तो अपन लिखेंगे 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट लिखना, हाईएस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, 6 डिजिट का जो हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 999 999। ठीक है, फिर तुमको लिखना है हाईएस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, हाईएस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट वो होता है तुम्हारा 99 99 9। ठीक है, दोनों को कर देना माइनस, तो ये आएगा 0 0 0 0 0 9। ठीक है, तो ये है तुम्हारे टोटल 6 डिजिट के नंबर। ठीक है, अब चलते हैं, ऐसे ही अपन निकालेंगे 7 डिजिट के नंबर टोटल कितने हैं, तो हाईएस्ट 7 डिजिट के, हाईएस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट लिखेंगे माइनस हाईएस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, और उनको माइनस कर देंगे। हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक ए लैक, अब थोड़ा सा तुम ध्यान से देखना कैसे बताना है अपने को। देख ये पूछ रहा है कितने थाउजेंड में 1 लाख होता है, तो पहले मैं 1 लाख ले लेता हूँ, 1s 10s 100 1000 10000 और लाख, ये मैंने लिखा है 1 लाख। ठीक है, तो ये थाउजेंड की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ चलता हूँ 1s 10s 100, और ये इधर का पूरा थाउजेंड है, तो बोलेंगे यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 100,000। क्या 100,000 में 1 लाख बनता है। ठीक है, ये 1s 10s 100,000 आया ना, तो ये पूरा का पूरा अपन 1000 पे ले लेंगे, तो ये अपन बोलेंगे कि 100,000 में 1 लाख बनता है। ऐसे ही अपन करते हैं कौन सा, इससे नेक्स्ट वाला, हाउ मैनी थाउजेंड्स मेक ए करोड़। 1 करोड़ लिख लो पहले, तो 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh और ये 1 करोड़ हो। ठीक है, तो 1 करोड़ में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी थाउजेंड्स, तो यहाँ चले 1s 10s 100, तो ये पूरा का पूरा 1000 ही है, तो क्या 10,000 थाउजेंड्स मेक ए करोड़।
10,000 थाउजेंड में 1 करोड़ बनेगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेंड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। 738 में से अपने को माइनस क्या करना है, ये इसका रिवर्स। इसका रिवर्स क्या होगा, 8 पहले लिखो, फिर 3, फिर 7, 837। इन दोनों का डिफरेंस करना है तो माइनस कर देना, 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और फिर 12 में से ये कितना है अपना 3, तो ये 12 में से 3 जाएगा तो भी ये 9 बचेगा, तो मतलब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 99। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 99। चलो फिर चलते हैं, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, इसके बाद क्या आएगा, तो प्लस 1 कर देंगे ऐड इसमें, तो ये देखो ध्यान से, 7,999 है, ये तुम्हारा बन जाएगा 8,000, तो ये बनेगा 9,548,000। ठीक है, जस्ट बिफोर किसके, मतलब व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इससे पहले क्या आएगा, तो इसके लिए अपन माइनस वन कर देंगे। माइनस वन कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो, 9,900 और 00, तो माइनस वन करो, यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, या फिर 9, या 9, या 9, या 9, और यहाँ 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये फिर तुम्हारा 9, और फिर ये वाला 9, फिर ये वाला 9, फिर ये वाला 9, फिर ये वाला 8, और फिर ये 9, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, कौन से का, क्वेश्चन नंबर 13 का। जस्ट, हाँ, वोट कम्स जस्ट बिफोर, इससे पहले क्या आता है, तो इसमें से माइनस वन कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर है अपना, राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग 2, 3, 4, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। 3 डिजिट के नंबर लिखने हैं और अपने को ओनली 2, 3, 4 का ही यूज कर सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं कितने डिजिट, कितने नंबर बन सकते हैं, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये है जैसे 2, 3, 4, तो अपन 2 पहले ले लेते हैं, 3, 4, या फिर 2, 4, 3, फिर एक बार 4 बाहर ले, पहले ले लेते हैं, दो बचिए, 2 और 3 अंदर, मतलब बाद में, और फिर 3, 2, फिर अपन ले लेते हैं 3, तो 2, 4 और 3, 4, ये तुम्हारे 6 टाइप के नंबर बन सकते हैं 2, 3, 4 से, और ये तुम आंसर में लिख देना। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फाउंड बाई यूजिंग द डिजिट 3, इन सब डिजिट का यूज करके अपने को सबसे छोटा नंबर लिखना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो तुम करते आ ही रहे हो। सबसे छोटा नंबर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा डिजिट 0 को छोड़ के, तो सबसे छोटा डिजिट है इसमें 1, फिर लिखेंगे 0, फिर इससे बड़ा है अपना 3, फिर इससे बड़ा है अपना 5, तो इससे बड़ा है 7, तो ये आ गया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फाउंड, लार्जेस्ट बनाने, तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर ले लो 9, फिर इसमें आएगा 6, फिर उससे छोटा 4 आया, फिर आया 3, फिर आया 2, फिर 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द ऑफ नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। तो कोमा कैसे लगाएंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, कोमा कैसे लगाते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे लगाते हैं कोमा। अपन कोमा लगाते हैं कैसे, 3 प्लेस के बाद, फिर 3 प्लेस के बाद, फिर 3 प्लेस के बाद, फिर 3 प्लेस के बाद, जैसे यही है, तो ये 3 के डिजिट के बाद कोमा लग जाएगा बस। ठीक है, इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर दोबारा 3 डिजिट के बाद, इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद कोमा, और ये 3 डिजिट के बाद, और ये 3 डिजिट के बाद कोमा, 3 डिजिट के बाद। ठीक है, तो ऐसे, तो ये कोमा लगा देना। और नंबर नेम कैसे दोगे, देखो ध्यान से, ये लास्ट के 3 तो हैं 1s 1s 100, और ये हैं 3000 वाले, तो इसको बोलेंगे अपन, पूरा कंबाइन बोलेंगे इसको 735,821। इसमें ये क्या मिलियन तक पहुंच गए, ये वंस, ये थाउजेंड, ये मिलियन, तो 6,057,894। ठीक है, यहाँ 56,943,821, ये 9 मिलियन, 9 है, 90,703,006, 89,350,064, 37 मिलियन, ये 502 है या 602,
1093, बस सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसे इनके नंबर नेम लिख देना। फिर अपन बात करते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना के और उसमें इसको लिख देना, ठीक है। चार्ट कैसे बनाओगे वो ही बनाना, वंस टेंस हंड्रेड, फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, ऐसे चार्ट बना के, एग्जाम्पल हैं ऐसे, उसमें फिर ये नंबर कैसे लिखोगे, 30,105,063 है, ठीक है। तो 63 तो आएगा तुम्हारा इसमें, और थाउजेंड में कितना है 105, तो ये आ जाएगा तुम्हारा थाउजेंड में, इधर मिलियन का होगा, मिलियन में आएगा 30 मिलियन, तो ये लो। ऐसे तुमको बनना, चार्ट बना के लिख देना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं अपने कोई भी डाउट के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, और ये वर्क आप नोटबुक में कर लेना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।